एक ऐसी ट्रेन जो चलते चलते ही ट्रैक से गायब हो जाती थी, जिसका कोई भी शेड्यूल नहीं था। वह एकदम से दिखती थी और अचानक अगले ही पल गायब हो जाती थी, पर कहां, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रहस्यमय ट्रेन टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में चली जाती थी, पर अभी तक ये पता नहीं चल सका कि यह ट्रेन कहां चली जाती थी। चलिए आपको इस घटना के बिल्कुल करीब लिए चलते हैं। दरअसल बात सन 1911 की है, जब 14 जून 1911 में रोमन रेलवे ने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रखा था, जिसमें वे अपने नई ट्रेन का परीक्षण करना चाहते थे। उस समय दोपहर के करीब 3 बजे थे, जब यह ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुआ। बताया जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे और वे आसपास की प्रसिद्ध जगहों को देखने के लिए निकले थे। इस यात्रा के दौरान उस ट्रेन को लगभग 1 किलोमीटर लंबी एक सुरंग से होकर गुजरना था, मगर हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जैसी ही ट्रेन उस सुरंग में गई, उसके बाद दोबारा किसी ने नहीं देखा। ट्रेन के गायब होने से कुछ समय पहले ही 2 पैसेंजर ट्रेन से कूद गए थे, और जब उनसे पूछा जाने लगा तो उन्होंने उस घटना के बारे में सब कुछ बताया। उनका कहना था कि सुरंग में घुसने से कुछ समय पहले ही उस ट्रेन के अंदर अजीब सा वातावरण बना और सब कुछ शांत हो गया और आगे सफेद धुआं सा आ गया। यह देखकर हमने ट्रेन से छलांग लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब घटित होने वाला है। जब घटना की पड़ताल हुई तो वहां कुछ भी नहीं मिला, और यह भी पता नहीं चल सका कि आखिर वह ट्रेन कहां गायब हो गई। लोगों ने घबराकर उस सुरंग को बंद करवा दिया, लेकिन इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। मेडिवल इटालियन दस्तावेज, जो कि एक पुरानी मॉनेस्ट्री में मिले थे, उसमें एक ऐसी बात का जिक्र था जो सही में काफी अजीब थी। उन दस्तावेजों के अनुसार मॉनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आकर रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी थी और उसमें एक बड़े पाइप की मदद से 3 छोटी गाड़ियों को भी जोड़ा गया था। इस पाइप में से काले रंग का धुआं उड़ रहा था। उस मॉनेस्ट्री में काम कर रहे भिक्षुओं ने इस घटना के बारे में बताया, कहा कि उन्हें एक रहस्यमय ट्रेन नजर आई, जिसमें से 2 डेविल पैसेंजर नीचे उतरे, जिन्होंने काले रंग का अजीब सा लिबास पहना हुआ था, जो कि काफी अजीब दिख रहा था। उन्हें देखकर वे भिक्षु काफी डर गए। उन दोनों डेविल पैसेंजर्स ने मॉनेस्ट्री के अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस मॉनेस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय बाद वो दोनों डेविल पैसेंजर्स गाड़ी में वापस चले गए और धुएं में गायब हो गए। पर इस रहस्यमय घटना का अंत यही नहीं हुआ। मैक्सिको के एक मनोवैज्ञानिक जोस सक्सेनो, जो 1840 में मैक्सिको में रहते थे, उनका दावा था कि उनके पास ऐसे सबूत है जो उस घटना से बिल्कुल मेल खाते हैं। उन्होंने उस समय में हुई सभी मेडिकल डिटेल्स और फाइल्स को संभाल कर रखा था। उन्हीं में से एक फाइल के अनुसार वहां के टाउन हॉस्पिटल में एक बार 104 लोगों को मास मेडनेस के कारण भर्ती किया गया था, और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी, और यहाँ तक कि वे सभी पेशेंट्स इटालियन थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस समय के जहाजों के रिकॉर्ड्स में किसी भी इटालियन का कोई नाम भी नहीं था जिसने मेक्सिको की यात्रा की हो। इस पूरी घटना की सबसे विचित्र बात तो यह थी कि उन सभी लोगों का कहना था कि वे सभी रेलवे के रास्ते यहाँ आए हैं, शायद ये उसी ट्रेन के 104 पैसेंजर्स हों जो ट्रेन 1911 में रोम से गायब हुई थी, जिसमें 104 पैसेंजर्स थे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ट्रेन उन बड़े समुद्रों को पार करके कैसे रोम से मेक्सिको आ सकती है। लेकिन जिन पुख्ता सबूतों की बात इस मनोवैज्ञानिक ने की, उसका रिकॉर्ड्स 18वीं शताब्दी में कैसे मिला, जबकि ट्रेन 1911 में लापता हुई थी। इसलिए आज भी माना जाता है कि वह रहस्यमय ट्रेन अभी भी टाइम लूप में कहीं फंसी हुई है। कई लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि उन्होंने आज के समय में भी इस ट्रेन को देखा है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।